रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं नटेला एंड वनेला पेनाकोटा। ये एक इटालियन डिज़र्ट है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट के इंग्रेडिएंट बताती हूँ। ये एक कप मुझे क्रीम चाहिए, आधा कप नटेला चाहिए है, क्वार्टर कप शुगर चाहिए है, 2 टीस्पून जेलेटिन चाहिए है और 2 टेबलस्पून टैप वाटर चाहिए है। और 2 टेबलस्पून पानी में जेलेटिन डाल रही हूँ और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये मैंने अपनी क्रीम डाल ली है। क्रीम को थोड़ा सा सिमर करेंगे, इसको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ गर्म करना है। और इसमें शुगर डालते हैं जब तक ये इसमें डिजोल्व हो जाए। अब इसमें हम नटेला डालते हैं, थोड़ा मिक्स करेंगे। नटेला मिक्स हो गया हमारा। अब इसमें हम अपनी जेलेटिन जो हमने मिक्स करके रखी हुई थी वो डालते हैं। जेलेटिन को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं हीट ऑफ कर देती हूँ। ये कंटेनर ले लिया, आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, कोई आइसक्रीम का खाली कंटेनर या कोई चीज़ जिसमें आप ये अपने कप टिल्ट करके रख लें। और फिर इसमें एक साइड पे बस पोर करना है इसको, लिक्विड को, और ज़्यादा फुल नहीं करना है। हम इसी तरह रेफ्रिजरेटर कर देंगे और उसको इतनी देर रखेंगे जब तक ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फॉर सेकेंड पार्ट, 1 कप क्रीम चाहिए, 1/4 कप शुगर चाहिए, जेलेटिन 2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून कोल्ड वाटर चाहिए है और वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए है 1 टीस्पून। पानी में मिक्स करके तो इसको 5 से 10 मिनट रखते हैं। ये मैंने क्रीम डाल ली है और इसको हल्का सा सिमर करेंगे और ये शुगर डाल के तो अच्छी तरह इसमें डिजोल्व कर लेंगे। अब मैं इसमें वनीला एक्स्ट्रैक्ट डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसमें अपनी जेलेटिन डाल दूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, जेलेटिन अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसको बॉईल नहीं करना है, इसको सिमरिंग पॉइंट तक ही रखना है। मैं अपनी हीट ऑफ कर दूँगी और फिर इसको अच्छी तरह कूल डाउन करना है पहले, और फिर इसको उसमें कप्स में हमने पोर करना है। मैंने पोर कर दिया है ठंडा करके, तो अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी जब तक ये सेट हो जाएगा। सेट हो गया, मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है हार्ट और स्टार की शेप के साथ, चॉकलेट के मैंने बनाए थे घर में। आप भी बनाइएगा और फिर बताइएगा आपको कैसे लगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।